सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, तो आपको यहाँ पर अपने पिक्सार टेप को ओपन करना है और आपको इस ब्लैक बैकग्राउंड को अपने पिक्सार टेप के अंदर यहाँ पर ऐड कर देना है। सो गाइस, पिक्सार्ट को आप प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। सो गाइस, बैकग्राउंड ऐड करने के बाद में आपको यहाँ से ऐड फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक ग्लो पीएनजी से जिसको आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। सो इस पीएनजी को आपको यहाँ पे ऐड करने के बाद में आपको नीचे की तरफ आना है यहाँ से और इसके ब्लेंडिंग मोड को आपको यहाँ पे स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद में आपको इसकी साइज को थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप से इतना इंक्रीज कर देना है। इंक्रीज करने के बाद में आपको यहाँ से ऊपर की तरफ आना है वापस यहाँ से और इसकी ओपेसिटी को आपको यहाँ पे 35 पे सेट करके यहाँ से इसको राइट डन कर देना है कुछ स्टेप से। सो आपको अगेन ऐड फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक रिंग लाइट पीएनजीस मिल जाएगी। सो गाइस, ये रिंग लाइट पीएनजीस थोड़ी डिफरेंट है तो इसको भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद में आपको इसको यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर कुछ स्टेप से आपको यहाँ पे बीच के अंदर यहाँ पे सेट कर देना है ये मिडिल के अंदर। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बैकग्राउंड के मिडिल में, तो आपको ये ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही होगी आपको स्क्रीन पे, तो आपको ये बैकग्राउंड के मिडिल के अंदर सेट करने में आपकी मदद करेगी। तो इस टाइप से हम यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं, थोड़ी साइज भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करके यहाँ पे सेट करने के बाद में इसको आपको यहाँ से आपको राइट डन नहीं करना, इसको भी आपको ब्लेंडिंग मोड पे जाके इसको आपको स्क्रीन करना है। स्क्रीन करने के बाद में हम कुछ यहाँ पे स्टेप से इतना इसे सेट कर देंगे और यहाँ से इसको राइट डन कर देंगे। तो कुछ स्टेप्स हमारे यहाँ पे पीएनजी से लाइट पीएनजी से यहाँ पे सेट हो चुकी है। सो अब आपको करना क्या है कि यहाँ से ऐड फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक पीएनजी और मिल जाएगी, वो फोक पीएनजी से। तो इस टाइप से आपको ये फोक पीएनजी मिल जाएगी, इसको भी आपको यहाँ पे इसकी साइज को थोड़ा सा आपको यहाँ पे बैकग्राउंड के साइज में ला के आपको यहाँ पे इसको सेट कर देना है। उसकी साइज हम थोड़ा सा यहाँ पे और इंक्रीज कर लेते हैं। इतना सेट करने के बाद में इसको भी आपको यहाँ से राइट डन करना है। ये राइट डन होने के बाद में अगेन आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट करना है, यानी जिस फोटो को आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हो। सो हमारे पास में कुछ स्टेप से मॉडल की फ़ोटो है, तो इस फोटो को हम यहाँ पे एडिट करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको कटआउट वाले ऑप्शन पर आना है यहाँ से और आपको अपनी फ़ोटो को जूम कर लेना है जितना हो सके और कुछ स्टेप से आपको अपनी बॉडी के अराउंड आउटलाइन को ड्रॉ करना है। जितना अच्छा टाइम लेके आप आउटलाइन को क्रिएट करोगे उतने अच्छे तरीके से आपके यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी से आउटलाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। सो गाइज, हमने यहाँ पे परफेक्टली अपने आउटलाइन ड्रॉ कर लिए बॉडी के अराउंड, तो आपको यहाँ से इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में देख सकते हो गाइज कितनी परफेक्टली आपके बॉडी वाले पार्ट को सेलेक्ट कर चुके हैं। जो भी आपको कुछ करेक्शन करना हो आप यहाँ पे कर लीजिएगा जो पार्ट आपके यहाँ पे मिसिंग हो जाए। सो गाइज, अब आपको करना क्या है कि इसको यहाँ से आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद देख सकते हैं आपकी फोटो यहाँ पे परफेक्टली बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो चुका है। अब इसको जहाँ पे आप सेट करना चाहते हैं वहाँ पे आप इसे सेट कर दीजिएगा। सो अगर गाइज आपको इसमें थोड़ी सी और मैं मिस्टेक यहाँ पे दूर कर देता हूँ, आप जैसे यहाँ पे कटआउट वाले ऑप्शन से बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो आपको आपकी फ़ोटो के अराउंड कुछ वाइट कलर की आपको आउटलाइन नजर आएगी। सो आपको इरेजर वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपकी हार्डनेस को यहाँ पे 95 पे सेट करना है और साइज थोड़ा सा कम करना है। और जो आपको ये आउटलाइन नज़र आ रही है वाइट वाली, तो इसको आपको कुछ यहाँ से स्टेप से रिमूव कर देना है। यानी अगर ये आपके फ़ोटो के अंदर ही आउटलाइन रहती है तो आपकी फ़ोटो इतनी अच्छी यहाँ पे लग नहीं पाती। यानी परफेक्टली अगर आपको फ़ोटो एडिट करना है तो आपको इस वाली वाइट आउटलाइन को यहाँ से आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे अपने बॉडी के अराउंड से आउटलाइन को रिमूव कर देना है। सो मैं इसको जल्दी से यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। सो गाइस, आपको इस टाइप से आपको आउटलाइन को रिमूव करके यहाँ से आपको इसको राइट डन कर देना है। तो कुछ स्टेप्स हम यहाँ फोटो को अपने यहाँ पे सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद में इसको हम यहाँ से राइट डन कर दें। राइट डन करने के बाद में गाइस आपको अगेन ऐड फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक फोग पीएनजी मिल जाएगी, उसको भी आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। सो फोग पीएनजी को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सो गाइस, ये फोग पीएनजी को भी आपको यहाँ पे आना है और इसको आपको साइड में आके इसको ब्लेंडिंग मोड पे जाके इसको आपको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद में इसको अपने इमेज के अनुसार सेट करना और उसको कुछ स्टेप से आपको यहाँ पे नीचे की तरफ सेट करके इसकी ओपेसिटी को आपको थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देना है।
कुछ स्टेप्स आपको इतने यहाँ पे कम करना है। कम करने के बाद में आपको यहाँ से इसको राइट डन करना है। राइट डन करने के बाद में गाइस आपकी फ़ोटो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे एडिट हो चुकी है और इसमें कुछ चीज़ों और हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो वापस आपको एड फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक लाइट पीएनजी मिल जाएगी, यानी ब्लब पीएनजी मिल जाएगी। इसको भी आपको ब्लेंडिंग मोड पर जाके स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद में आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे सेट करना है। यहाँ पे इतना आपको सेट करके इसको यहाँ से राइट डन करना है। राइट डन करने के बाद में आपको एड फोटो पर क्लिक करना है और आपको कुछ यहाँ पे लाइट पेंजेस को ऐड कर देना है। सो गाइस ये लाइट पेंजेस को भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद में लाइट पेंजेस को भी आपको स्क्रीन करना है और आपको यहाँ पे इसकी साइज को कम करके ब्लथ के ऊपर यहाँ पे सेट कर देना है, जिससे आप में जो लाइटिंग है उसकी काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपके यहाँ पे हो जाएगा। तो दोनों पेंजेस को आपको ब्लेंडिंग मोड करना है। स्क्रीन पर जाके आपको वही लाइटिंग के ऊपर यहाँ पे आपको सेट करना है। कुछ स्टेप्स सेट करने के बाद में आपको यहाँ से इसको राइट डन कर देना है। सो गाइस ये फोटो हमारी यहाँ पे एडिट हो चुकी है, बस लास्ट स्टेप हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट पेंजेस भी ऐड कर देते हैं। कुछ स्टेप्स हमारे पास ये टेक्स्ट पेंजेस है, तो टेक्स्ट पेंजेस की साइज को हम यहाँ पे फोटो के अनुसार सेट करेंगे और यहाँ पे उसको सेट करके यहाँ से इसको राइट डन कर देंगे। सो गाइस काफ़ी हमारे देखो जितनी भी चीज़ें थी हमारे यहाँ पे पेंजेस वगैरह जो सब यहाँ पे ऐड हो चुकी है। सो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ से और थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको सेव करना है। सो गाइस इस फोटो को हम अपने स्नैपचैट ऐप के अंदर ओपन करेंगे, जहाँ पे इसमें थोड़ा सा हम शेडो वगैरह ये चेंज करेंगे, जिससे हमारी फोटो और बेटर तरीके से यहाँ पे एडिट हो पाएगी। सो गाइस फोटो को हमने कर लिया स्नैपचैट ऐप के अंदर ओपन। सो गाइस स्नैपचैट ऐप का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पर जाके आप फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। सो आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको सबसे पहले पेंसिल वाले टूल्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको ट्यून इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, जहाँ से आपको एम्बेंस वाले ऑप्शन पे आना है, जहाँ से आपकी इसकी एम्बेंस को थोड़ा सा यहाँ पे आपको -40 पे सेट करना है और हाईलाइट वाले ऑप्शन को थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है 20 पे, और शेडो आपकी थोड़ी सी यहाँ पे -25 पे इसको आपको शेडो को सेट कर देना है और यहाँ से आपको इसको राइट डन करना है। पेंसिल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट वाले टूल्स को सेलेक्ट करके अपने फेस वाले पार्ट को यहाँ पर थोड़ा सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा यहाँ पे कम करना है और ब्राइटनेस थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है और यहाँ से इसको राइट डन कर देना है। सो देख सकते हो पिक्सार्ट में हमारी फ़ोटो कुछ इस टाइप की थी और स्नैपचैट में हमारी फ़ोटो कुछ इस टाइप की हो गई, यानी काफ़ी हमारी फ़ोटो बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे मैच हो चुकी है। सो वापस पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम यहाँ से और डिटेल्स वाले ऑप्शन पर यहाँ पे जाएंगे, जहाँ से हम इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा यहाँ पे 20 पे सेट करेंगे और शार्पिंग को भी थोड़ा सा यहाँ पे 10 के आसपास सेट करके यहाँ से इसको राइट डन कर देंगे। सो गाइस देख सकते हो काफ़ी अच्छा हमारा, ज़्यादा इसमें हम कुछ एडिट नहीं करना चाहते, काफ़ी अच्छी एडिट हो चुकी है और काफ़ी बैकग्राउंड पे भी हमारे यहाँ पे इफेक्ट डल चुका है। सो आपको कुछ नहीं करना, डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को सेव करना। सो गाइस अगर आपको भी ये रिंग लाइट फोटो एडिटिंग थोड़ी डिफरेंट तरीके से अगर पसंद आया हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए।